सिविल सर्विसेज, जहाँ हम लोग सुनते हैं सिविल सर्विस, लोगों में एक उत्कंठा होती है समाज सेवा की, जज्बात की और जंग लड़ने की माता है। सिविल सर्विसेज कहीं ना कहीं सिविल सर्विसेज एक मानवता से शुरुआत होती है और सिविल सर्विस दुनिया काफ़ी लंबी है। ये महज एक संघर्ष के साथ साथ एक धैर्य का भी परिचायक है। इसमें पीटी, मेंस, इंटरव्यू तीन कड़ियाँ होती हैं। सिविल सर्विसेज स्टेट कमीशन के भी होते हैं और सेंट्रल के भी। सेंट्रल की जो सिविल सर्विसेज एग्जाम्स हैं उसे UPSC कही जाती है और राज्य के सिविल सर्विसेज अलग अलग होते हैं, जैसे PSC, BPSC, MPSC इस तरह। लेकिन बच्चों से मैं ये कहना चाहता हूँ, जितने इसके विद्यार्थी, उनसे मेरा अनुरोध है कि वो सबसे पहले इस चीज़ों को समझें, पहले सिलेबस को बेहतर ढंग से समझें, कहाँ से प्रश्न पूछा जाता है इसकी कड़ी को समझें, कौन सा सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है, कौन सा चैप्टर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कैसा लेवल क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन का क्या लेवल है, इसको समझने की कोशिश करें, उसके बाद उसमें गहन तैयारी करें और इस सब्जेक्ट विशेषज्ञ पे ज़्यादा जोर दें और खुद की मेहनत बहुत ही ज़्यादा है, खुद की मेहनत से ही ये पर्याय संभव है। और इस तरह से मैं अपनी वाणी के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे सिविल सर्विस के लिए मैं जब जुड़ा था, मेरी शुरुआत तो अनिल मिश्रा सर से ही होती है और बाद में जाकर एडमिनिस्ट्रेटिव कोचिंग सेंटर, इससे भी मैं जुड़ा। सर से मैं अक्सर जितने PT मेंस के नोट्स मैंने कैरी किए और उन नोट्स का विश्लेषण करते हुए उनको सूक्ष्म तरीके से मैं उस पे चीज़ों को सारगर्भित करते हुए सजाया और फाइनली मेरा सिलेक्शन हुआ। आज मैं झारखंड पुलिस सेवा के लिए मेरा चयन हुआ और कहीं ना कहीं ये सर का मार्गदर्शन, प्रभात सर, अनिल सर, दोनों ने मुझे सजाया, संवारा और सींचा, उसी का परिणाम है कि मैं अपने जहां को मुकम्मल कर रहा हूं और पुलिस सर्विसेज में आया हूं। तो कहीं ना कहीं ये एक मानवता की सेवा और संघर्ष की जज्बा का परिणाम है। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू।